कि हम लोग सूप पीने गए थे और हम लोग सूप पीते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि बच्चों का स्कूल होता है तो बच्चे 8 बजे सो जाते हैं और मैं भी 8 बजे सो जाती हूँ, तो फिर हम लोग वीकेंड पर ही पीते हैं अब सूप, वरना हम रोज़ाना चाहें तो हमें अच्छा लगता है पीना। तो बहरहाल आज मैंने शेयर किया, वैसे मैं सूप पीने को शेयर नहीं करती, लेकिन आज मैंने कर दिया सूप भी अपना शेयर। हम लोग पीते हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाती, हाशिर साहब के मूड ऑफ ही रहता है। और बस ये सूप पीने के बाद मैं अपनी अम्मी के घर से भी आई थी, तो बस फिर अब हम लोग घर को रवाना हो रहे हैं। मैंने सोचा कि अभी हम लोग बाहर हैं तो चलो सूप भी पी लेते हैं। अम्मी के घर से ही वापस हम जा रहे थे तो छोटा सा क्लिप बना दिया मैंने जी। तो वो तो सैटरडे था और ये है संडे रूटीन। सुबह का टाइम नाश्ते से फारिग होने के बाद और हम मैं लग चुकी हूँ बिरयानी के लिए, जैसे कि टाइटल भी दिया कि ख़ास पड़ोसियों के लिए बन रही है आज बिरयानी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उनके नाम की बिरयानी बन रही है। हर एक के नाम का होता है ना कुछ, तो आज जो वजह थी वो ख़ास इन्हीं की थी। तो ये चिकन मंगवाई थी, आधी चिकन मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने ले ली। ये प्लेट से मेरे पड़ोसियों की जो मेरे पास 1 वीक से भी शायद ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़े से दिन ऊपर हो रहे हैं, पड़ी हुई थी। पिछले वीक भी मैंने शुरू की थी कि उनके लिए करके तो इसको प्लेटर बना के मैं भिजवाऊँ, लेकिन वो हो चुकी थी बिरयानी हलवा जो कि नहीं दे सकी थी। तो आज सोचा फिर से ही बना लेते हैं और आज मैं चिकन की बनाऊँगी। जो हलवा हो गई थी ना उस दिन, जो उनके लिए मैंने जब भी सोचा था बनाने का, तो वो बीफ की बनाई थी जो कि हलवा हो गई थी। आज मैंने सोचा कि मैं चिकन की बना लेती हूँ। तो काफ़ी क्वांटिटी में मैंने प्याज काटी थी, लेकिन मैंने आधी प्याज को जो है वो उठा लिया। बस अंदाज़े से मैं कर लेती हूँ काम, और इतनी बड़ी कोई शेफ़ कुक तो हूँ नहीं मैं। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग ये बना रहे हैं बिरयानी, और काफ़ी दिनों के बाद मेरी आज की वीडियो अपलोड हो रही है। 1-2 दिन से लाइट का प्रॉब्लम था, पूरी कंट्री में ही था, है ना, तो इसकी वजह से मैं 2 दिन से डिस्टर्ब हो गई। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएस है हमारे घर में, लेकिन वाईफाई तो नहीं चलता ना यूपीएस पे, और घर के सारे काम भी डिस्टर्ब हो गए। तो चैनल वर्क, हालांकि वीडियोस बना रही थी मैं, लेकिन दे नहीं पाई, वो वाईफाई नहीं था इस वजह से। तो ये वजह थी, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को बता दूं। मेरी वीडियो नहीं आई, काफ़ी दिन बाद आई, इसकी वजह लाइट का प्रॉब्लम था। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन ही प्रॉब्लम रहा। तो ये है मेरी स्टाइलिश बिरयानी जो कि मैं अपने ही स्टाइल से बना लेती हूँ, और हम लोगों को अच्छा लगता है बिरयानी मसाला हर तरह का घर में लाकर रखना। ये मसाला भी है बिरयानी मसाला, और कुछ ऊपर से जो मसाले होते हैं ना घर के, वो भी मैंने डाले हैं, क्योंकि बिरयानी मसाला मेरे पास यही आधा पैकेट पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्या मियाँ को बोलूँ, क्योंकि वो भी घर पे थे भी नहीं, संडे है और संडे को वो थोड़ा कम ही घर पे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाहर होते हैं। तो मैं सोचा मैं क्या उनको बोलूँ, हालांकि वो सामान दे के चले गए थे मुझे घर का जो भी था, लेकिन मैंने कहा दोबारा से उनको क्या भेजूँ कि अब जाएँ बिरयानी मसाला लेके आए। तो मैंने कहा इसी को आधा मसाला पैकेट डाल देती हूँ और थोड़े से जो है घर के मसाले भी डाल देती हूँ। तो जी बस ये चिकन की बुनाई कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे है ना, तो अच्छा लगता है वो भी खा लें खाना, टाइम से बन जाए खाना। पुदीने के जो पत्ते थे वो तो मैं निकाल देती हूँ, और धनिया को ऐसे ही कट करती हूँ, और ये मैंने सारा सजा दिया इस तरीके से, आलू टमाटर धनिया पुदीना, दम पर डालूँगी हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी प्याज बची हुई थी, और ये मसाले। तो बस इस तरीके से मैं बना रही हूँ, और एक टाइम की मेरी बिरयानी बन रही है, 2 टाइम की नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ दूसरे टाइम बिरयानी नहीं खाते, उनको देखा हम देखिए बच्चे भी नहीं खाएंगे। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ खाना, घर बहुत सारा पीछे फैला हुआ है तो समझ नहीं आ रहा, वो गाड़ी का कपड़ा है इसको वॉश करना है, यहाँ भी किचन फैला हुआ है। तो बहरहाल मेरी वीडियो का आगाज़ जो है शुरू हो गया है, और वो चिकन पड़ी हुई बस इसको भी वॉश करके जो है वो फ्रिज में
फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, आज बनने जा रही है बिरयानी। और आज, जी हाँ, जैसे कि टाइटल भी देखा, आज मैं बिरयानी देने लगी हूँ अपने पड़ोसियों के घर में। बिलखसूस उन्हीं के नाम की मैंने बिरयानी बनाई है, क्योंकि मेरे पड़ोसियों के घर से एक वीक से प्लेट आई हुई है और देने का नाम ही नहीं हो रहा। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज बिरयानी इनको दी जाए। पिछले वीक भी देनी थी, लेकिन वो हो गई थी मेरी बिरयानी हलवा, जो कि मैं आप लोगों को भी फाइनल लुक नहीं दिखा सकी थी, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो। उन बेचारों को जब भी नहीं दे सकी थी, लेकिन आज तो मैंने सोचा कि मैंने देनी ही देनी है। तो आज उनके नाम की बन रही लगी है बिरयानी। चिकन माशाल्लाह अच्छी सी फ्राई हो रही है अदरक लहसुन के पेस्ट में। तो आप देख सकते हैं मेरे टमाटर बहुत ज़्यादातर मैश हो चुके हैं, तो मैंने साथ ही साथ दही भी डाल दिया है और हाथों हाथ में ये आलू भी ऐड कर दूंगी। आलू में ज़्यादा डालती हूँ और ज़रूर डालती हूँ। चावल में आलू ना हो तो मुझसे भी चावल खाए नहीं जाते, किसी भी फॉर्म में चावल हो, आलू के बगैर तो बस चावल अधूरे। लेकिन ज़्यादातर मैं वीडियोज़ में देखती हूँ, वो लोग कहते हैं कि नहीं, बिरयानी में आलू कौन डालता है, बिरयानी में आलू नहीं पसंद। लेकिन जो आलू को पसंद करते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो हर चीज़ में आलू को ऐड कर दें। तो मुझे भी आलू अच्छा लगता है बच्चों की तरह, बचपन से लेके अभी तक मैं ज़रूर आलू खाती हूँ, और बस बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये सारे आलू यकीन माने मैं खा लूँगी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सारे आलू मैं खा लूँगी और मैं खा लेती हूँ। हम लोग पुराने बच्चे हैं ना, पुराने दौर के, हम लोग खा देते हैं। अब जो नई यूथ है ना, ये आलू नहीं खाती है, सिर्फ राइस की सूरत में खाती है, या चीज़ वाले फ्लेवर के हों तो खाती है। तो ये धनिया और पुदीना जो है ना, मैं इसे उबाल के टाइम पे जब चावल बॉईल होते हैं ना, तो मैं उसे डाल देती हूँ, उससे खुशबू हो जाती है और कलर बरकरार रहता है, और जब हम दम पर डालते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो बस ये वजह है, और खुशबू भी चावल में आ जाती है। इस स्टेप पर लोग गर्म मसाला भी डालते हैं, लेकिन गर्म मसाले के ख़िलाफ़ है मेरे मियाँ, इस वजह से मैं गरम मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है, प्लेटर भी पड़ोसियों की तैयार हो चुकी है, ये उनकी प्लेटर थी। अल्लाह ताला बरकत दे और वो खुशी खुशी खा लें, उनको पसंद आ जाए, और उनको पसंद आई थी। तो बस ये हरीम फातिमा शॉपर करके ना, तो हरीम फातिमा उनको दे के आ रही है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक भी देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।